अलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कौरमा। ये हमने आधा किलो मटन लिया है, जो हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। इधर हमने 2-3 चम्मच दही लिया है, और इधर ग्रेवी बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के प्याज काट के उसको ब्राउन फ्राई कर लिया है, और हम कुछ काजू के टुकड़े लिए हैं और 6 हरी मिर्च लिए हैं। इन सबको एक हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए कुकर हम रख दिए हैं, तेल हो गया है गरम, जिसमें हमने जो है प्याज को ब्राउन किया था वही तेल है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़ा मसाला। ये देखिए, एक इलायची है और एक स्टार फूल है, और थोड़ा सा जीरा है, 4 लौंग है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 छोटी इलायची है, एक चौथाई हिस्सा जावित्री का फूल है, 10-12 काली मिर्च है, और 2 तेज पत्ता है। इन सबको हम जो है तेल में डाल दिए हैं। ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया था 3 चम्मच ऑयल और सारे जो है ड्राई मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त, जो हमने आधा किलो मटन लिया था वो हम डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा और बहुत यमी बनता है मटन कौरमा। हमारे तरीके से बनाइए। देखिए, गोश्त को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। गैस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप में स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, अदरक 1 चम्मच और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब इन तीनों को हम कर देंगे मिक्स, और 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। ये देखिए, ये हमने जो है ड्राई मसाले निकाल लिए हैं सब। ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कलर के लिए है, और ये है 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर, और ये है काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, और ये हमने जो है प्याज था उसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, और ये दही और जो हरा मिर्चा और काजू था उसका जो है हमने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। इन सबको अब हम उस गोश्त में डालेंगे। आइए दिखा, ये अदरक लहसुन का कच्चापन का स्मेल निकल गया है। इसमें हम सब डाल देंगे मसाले, ये जो हमने लिए थे, ये सब साफ करके पूरा झाड़ देंगे, और इसमें हम डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, इसको हम चलाएंगे, और इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, ये दही और काजू और हरे मिर्चे का। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको साफ करके डाल देंगे। अब इन सबको हम 5 मिनट तक भूनेंगे। पाँच मिनट हो गया है, मेरा मसाला सब भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था दरदरा सा, इसको हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लगा देंगे पानी।
ये देखिए कितना अच्छा कलर और खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। देखिए 200 ml हमने पानी ऐड किया है। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसका लगा देंगे लीड और इसको दो प्रेशर आने तक हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये हमने लीड लगा दिया है। गैस को कर देंगे हाई फ्लेम पे। देख सकते हो कितना अच्छा और यमी बनके तैयार हुआ है, कितना कलरफुल। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। धनिया पत्ती डाल के ये देखिए आगे जब सर्व करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए। और हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। और अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और ये देखिए और हमारे चैनल को खूब शेयर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़। position of the full shot. That's it.